कोरोना काल में जिंदगी में लगे अचानक ब्रेक से बड़ों के साथ साथ बच्चों की मानसिकता पर भी गहरा असर पड़ा है, जिसको देखते हुए संस्था के एजुकेशन विंग द्वारा मनमोहिनी वन परिसर में बच्चों के लिए पहली बार सुंदर एवं रोचक विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, अजमेर समेत देश के कोने कोने से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस विंटर कार्निवल में पहुंचे। किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास चार चीजों, शारीरिक, मानसिक, अद्भुत हुनर और संवेदना को मिलाकर ही होता है। इन चारों गुणों से संपन्न बच्चा भविष्य में बेहतर समाज का निर्माण करता है। कोरोना काल में घंटों घंटों ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। बच्चों की वृद्धि, विकास और व्यवहार में आए चिंताजनक बदलाव को देखकर पेरेंट्स की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसका एक प्रयास संस्थान द्वारा किया गया है। संस्थान के एजुकेशन विंग ने पहली बार बच्चों के लिए 5 दिन का विंटर कार्निवल का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से सैकड़ों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस कार्निवल में पहुंचे। इस कार्निवल में बीइंग पॉजिटिव पर वर्कशॉप, एक्सरसाइज, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव मेडिटेशन के साथ साथ फोटोग्राफी की टेक्निकल क्लासेस को भी शामिल किया गया। किस किस को पता है पैनोरामा क्या होता है? एक हाथ कोई बताओ। हाँ बताओ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल लेंस से हम जब लेते हैं, एक बार में एक ही क्लिक होता है, पर अगर हमें एक लंबा सीन को लेना है तो वो पैनोरामा काउंट होता है। कार्निवल के दूसरे दिन बच्चों के लिए संस्थान के तपोवन फार्म हाउस पर लॉन्ग जंप, नींबू रेस समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्निवल में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी ये कार्यक्रम बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ। बच्चों ने जहां इस कार्निवल का मजा लिया, वहीं पेरेंट्स ने भी मेडिटेशन और पॉजिटिव रहने के तरीके सीखे। जो सिचुएशंस, जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी कि जैसे किसी प्यासे को पानी की बूंद मिल जाती है, ऐसे इन बच्चों को भी इतना उमंग उत्साह मिला है कि मैं बहुत एनकरेज कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के। ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। दे गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी पेरेंट्स। संस्था के तपोवन फार्म हाउस में पहुंची हमारी सहयोगी बीके आंचल ने बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात की और उनके अनुभव जाने। श्रेया, हम लोग इस समय खड़े हैं संस्थान के तपोवन फार्म हाउस में, जहां पर बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं, चाहे वो उनके रेस कॉम्पिटिशन की बात हो। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, और इनसे हम लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके एक्सपीरियंस रहे हैं। अजमेर से। आपका क्या नाम है? प्रशस्ति। प्रशस्ति, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या किस तरह के प्रोग्राम्स अभी तक आप लोगों ने किए? उधर देख के बात कीजिए। मैंने अभी नींबू रेस किया है। हाँ? और अभी रेस का भी होगा एंजल ग्रुप का। ओके। स्पोर्ट्स का। अच्छा। ओम शांति। मेरा नाम अंशी पटेल है, मैं उल्लासनगर से हूँ, मुंबई। मैं यहाँ पे विंटर कार्निवल में आई हूँ, बीके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। और जब लॉकडाउन था, 2 साल एकदम बंद थे, पेरेंट्स डिप्रेशन में आ गए थे, बच्चे इरीटेट हो गए थे, बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे, और उसके बाद 2 साल बाद कहीं आने का मौका मिला है, वो भी इतने पवित्र स्थान पे, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, खेल कूद के साथ ज्ञान भी मिल रहा है, डिप्रेशन, गुस्सा को शांत करने की चीज़ें। अभी मैंने 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। एंड बहुत ही थैंकफुल है कि ऑर्गेनाइज किया गया है, बच्चे सब सीख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है। मैंने बहुत सारी एक्टिविटी भी करी है, ड्राइंग, पेंटिंग एंड सैथरेस, 100 मीटर रेस,
ऐसे तो बहुत मुझे मजा आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आए हैं, एक पैसा नहीं लगा हम लोगों का यहाँ आने के लिए, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमको मिली हैं, जिसके लिए मैं क्या कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं कहने के लिए। अगर पीके ब्रह्म कुमारी अगेन कार्निवल बच्चों के लिए करते हैं तो मैं डेफिनेटली अपनी डॉटर को लेकर यहाँ आऊंगी। जो लेक्चर देते हैं जी, तो वो हमें रोकते हैं कि किसी को गुस्सा नहीं करना, तो हम सोचते हैं क्यों करना बच्चों को भी गुस्सा। मतलब जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है जो यहाँ सुनाया जा रहा है वो आप लोगों को भी पूरा, पहले हमें सुनाया जाता है कि आपने बच्चों के साथ एंगर नहीं होना। तो जब एंगर ही नहीं होना तो फिर बच्चा भी बड़ा खुश है। हाँ, नहीं तो बात बात पे डांटते उसको। बच्चे ज्यादा खुशी के लिए आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जाके ना मम्मा गुस्सा करेंगे ना पापा गुस्सा करेंगे, हम ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हम दोनों आए हैं और हम दोनों अपने सब बच्चों को खूब एंजॉय करवा रहे हैं। तो मैं हम लोग मतलब ये मान सकते हैं कि आप जो आपका यहाँ पर है कि गुस्सा नहीं करना, वही आप घर पे भी जाके करेंगे? कोशिश तो करूंगा ही, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो कोशिश करना मेरा है कि मैं करूंगा। तो मतलब मेडिटेशन को जो है बच्चों के लिए उपयोगी रहा है वो आपके लिए भी फुल उपयोगी रहा है? हाँ हाँ, मैं मेडिटेशन 2015 से करता हूँ। ओके, तो मैं तो रेगुलर आता रहता हूँ और अच्छा, मुझे पता है यहाँ पूरा एंजॉय मिलता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने बच्चों को भी अपने बेटे को लेके आया हूँ।